हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल भटनागर। आज हम अपने जनरल एंट्रीज़ वाले चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने जनरल एंट्रीज़ के 5 वीडियोस हमने बनाए हैं और उसमें हमने समझा है जनरल एंट्रीज़ कैसे हम मॉडर्न अप्रोच के साथ करते हैं, कैसे ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ जिसको हम गोल्डन रूल भी बोलते हैं उनके साथ बनाते हैं। फिर हमने जनरल एंट्रीज़ को GST के साथ भी हमने जनरल एंट्रीज़ बनाई हैं और इसके बाद हमने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की क्या जनरल एंट्रीज़ हो सकती हैं उसको भी अपने पिछले वीडियोस में समझा है। आज हम जनरल एंट्रीज समझेंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की मैं कुछ ट्रांजैक्शंस आपके लोगों के लिए लिख के लेके आया हूँ। इसके साथ में मैंने रूल्स आपके लिए फिर से रेडी रेकनर रखे हुए हैं, डेबिट और क्रेडिट रूल्स एज़ पर मॉडर्न अप्रोच है ये। तो स्टूडेंट्स, यूजली हम लोग बैंक जाते हैं, कैश जमा करते हैं या कैश विड्रॉ करते हैं या कुछ चेक डिपॉजिट करने जाते हैं। इसके अलावा बैंक्स में और क्या ट्रांजैक्शंस होती हैं? आजकल तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन शुरू हो गई हैं। आप घर बैठ के ही अपने अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर सकते हो। सारी पेमेंट्स भी आप घर बैठ के ही कर सकते हो। इवन यूटिलिटी बिल्स भी आप घर बैठ के ही दे सकते हो। बिजली का बिल है, टेलीफोन है, मोबाइल है, गैस का बिल है, आप घर बैठ के ही ऑनलाइन अपने अकाउंट से पेमेंट कर सकते हो। बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी इसी तरह आजकल बैंक से ही हो रही हैं। सारी ऑल ट्रांजेक्शन्स, 90% ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू हैं, इधर चेक के थ्रू हैं या ऑनलाइन ट्रांसफर्स हैं। तो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो कुछ मैंने यहाँ पे लिखी हैं। आसान है, आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा क्योंकि इससे मुश्किल जनरल एंट्रीज़ आप बना चुके हो। लेकिन फिर भी क्योंकि बैंक्स की अलग से ट्रांजेक्शन्स क्या हो सकती हैं वो हमें रिवाइज करना एक दफ़ा बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। अगर आप ट्रेडिशनल अकाउंट को लेके चल रहे हैं तो जो पर्सनल अकाउंट का रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वो अप्लाई होगा। और अगर आप मॉडर्न अप्रोच को लेके चलते हैं तो बैंक अकाउंट एसेट्स अकाउंट है जिसमें अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट होगा और डिक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट होगा। तो हम ट्रांजेक्शन्स को लेते हैं, ईजी हैं। इसमें मैंने अमाउंट नहीं लिखा है क्योंकि अमाउंट इज़ इमेटीरियल। आपको बेसिकली जनरल डेबिट और क्रेडिट ही मुझे बताना है कि किसको डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो पहली एंट्री लेके चलते हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। सिंपल एंट्री है, बैंक में कैश जमा किया है टू ओपन एन अकाउंट। तो आपका एसेट्स हैं दोनों, बैंक अकाउंट भी एसेट्स है, कैश अकाउंट भी एसेट्स है। आपने बैंक में जमा किया है, एसेट्स आपकी इंक्रीज हुई है, बैंक अकाउंट हम डेबिट कर दिया टू कैश अकाउंट, हमारा गया क्या है, कैश गया, क्रेडिट हो गया। ये भी एसेट्स है और ये भी एसेट्स है, ये इंक्रीज़ हुआ है, ये डिक्रीज़ हुआ है। आई थिंक रूल लिखना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि अब आप लोग अच्छे से समझते हो। अब दूसरी एंट्री की तरफ चलते हैं, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से कैश विड्रॉ किया है, इट मीन्स कैपिटल कम हुई है उसकी। तो कैपिटल कम हो रही है तो ड्राइंग्स हैं ये, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। डेबिट टू बैंक अकाउंट क्योंकि बैंक से कैश विड्रॉ हुआ है, टू बैंक अकाउंट। इस केस में लायबिलिटी क्या हुई है हमारी, डिक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है तो हम डेबिट करेंगे, ये वाला रूल। और एसेट्स हमारा डिक्रीज हुआ है तो हम इसको क्रेडिट करेंगे, ये वाला रूल, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री लेके चलते हैं, पेमेंट बाय चेक टू राकेश। राकेश हमारा क्रेडिटर रहा होगा, हमने इसको चेक से पेमेंट कर दी है तो हम राकेश को हम अपना डेबिट कर देंगे, हमारी लायबिलिटीज रिड्यूस हो गई। राकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से पेमेंट हुआ है, हमारा बैंक अकाउंट एसेट्स अकाउंट हमारा रिड्यूस हुआ है, हमने उसको क्रेडिट कर दिया। एंट्री आप ज़रूर लिखेंगे, बीइंग द अमाउंट पेड टू राकेश अवर क्रेडिटर बाय चेक, ठीक है। और अगली एंट्री देखिए, चेक इशूड टू राकेश डिसऑनर्ड। ये जो चेक इशू किया हमने राकेश को वो डिसऑनर ही हो गया, इट मीन्स हमारे जो बैंक में पैसा तो एज इट इज ही रहा, वो कम हुआ ही नहीं है। तो इस एंट्री को सिंपली रिवर्स कर देना है हमने, बैंक अभी हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया था, अब हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे और राकेश हमारा अभी क्रेडिटर एज इट इज़ वो बना हुआ है, उसको हमने क्रेडिट कर दिया राकेश को,
कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, आप लोगों के लिए बहुत सिंपल एंट्रीज़ हैं क्योंकि आप बहुत मुश्किल मुश्किल एंट्रीज़ आप कर चुके हो। नेक्स्ट लेते हैं, चेक रिसीव्ड फ्रॉम अंकुर बट नॉट डिपॉजिटेड। अंकुर ने चेक दिया लेकिन सेम डे पे डिपॉजिट नहीं हुआ। सेम डे पे डिपॉजिट नहीं हुआ तो हमें अपने यहाँ कुछ ट्रांजेक्शन तो करनी है कि ये पता लगे कि चेक आया है। तो हम क्या एंट्री करेंगे, हमारे पास आया क्या है? चेक इन हैंड अकाउंट, ये ध्यान रखिएगा, ये मैं पहले भी एंट्री ऐसी करवा चुका हूँ आपको। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अंकुर, अंकुर हमारा डेटर रहा होगा, हमने उसके उसने अगर पेमेंट किया है तो हमारी डेटर कम हो गया, हमारी एसेट्स कम हुई है तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया है। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अंकुर, चेक ऑफ अंकुर डिपॉजिटेड इन टू बैंक। अब नेक्स्ट डे या जब भी हमने इस चेक को जमा किया तब हम उसको दिखाएंगे। तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब क्रेडिट कैसे करोगे? अंकुर को तो हम पहले ही कर चुके हैं क्रेडिट, अब क्रेडिट इसको करेंगे। चेक इन हैंड अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट। स्टूडेंट्स ये कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, इजी हैं, आप लोगों को कुछ खास इसमें मुश्किल नहीं आई होगी। इसके अलावा मैं थोड़ी सी और ट्रांजैक्शंस लेके आता हूँ, देखता हूँ कुछ अलग से मिल जाएँ ट्रांजैक्शंस बैंक की। तो अभी मैं आप बने रहिए, मैं इसको अभी रब कर रहा हूँ। वेलकम बैक, कुछ और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के साथ हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस है इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है, इंटरेस्ट हमारा एक एक्सपेंस है, इसको हम डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से विड्रॉ हुआ है टू बैंक अकाउंट। सिंपल है, आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी मुझे मालूम है। ये एक्सपेंस अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट इंक्रीज हुआ है हमने इसको डेबिट कर दिया। ये एसेट्स अकाउंट है, एसेट्स अकाउंट डिक्रीज हुआ हमने इसको क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट दिया है हमारे अकाउंट में, नेचुरली ट्रांसफ़र कर दिया उन्होंने इंटरेस्ट, तो बैंक एसेट्स अकाउंट हमारा इंक्रीज हो गया, डेबिट कर दिया हमने। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, सिंपल एंट्री है, कुछ भी नहीं है। बैंक मेक्स इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स बिहाफ। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया है हमारे बिहाफ पे या फर्म के बिहाफ पे। तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या हुआ हमारा? एक्सपेंस हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, हमारा बैंक अकाउंट बैलेंस कम हुआ तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया बैंक बैलेंस को। नेक्स्ट इज डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन फर्म्स बिहाफ। बैंक ने फर्म के बिहाफ पे डिविडेंड कलेक्ट किया है। यहाँ फर्म के बिहाफ पे पेमेंट करी थी, एक्सपेंस किया था, यहाँ हमारे को इनकम हो रही है, बैंक के बिहाफ बैंक ने कलेक्ट कर लिया है, तो हमारा बैंक इंक्रीज हो गया ना, बैंक डिविडेंड आया, बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट्स हमारी इंक्रीज हो गई टू डिविडेंड अकाउंट। और आगे चलिए, ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, से फ्रॉम SBI टू PNB। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा SBI में अकाउंट है तो SBI से PNB में ट्रांसफ़र हुआ है, तो ये बैंक टू बैंक ही है। बैंक अकाउंट डेबिट PNB, बैंक अकाउंट डेबिट PNB में गया है पैसा, PNB बैंक अकाउंट डेबिट टू हमारा बैंक जो है, टू SBI अकाउंट, टू SBI बैंक अकाउंट, ये क्रेडिट हो गया। और आगे चलते हैं, गुड्स परचेज ₹15,000, पेमेंट बाय बैंक ड्राफ्ट, पेड बैंक चार्जेस ₹100। यहाँ पे मैंने अमाउंट लिख दिया, फिगर लिख दी है आपको, जिससे अच्छे से समझ में आए। गुड्स परचेज किया 15,000 का, पेमेंट करी है बैंक ड्राफ्ट से और बैंक ने चार्जेस ले लिए हैं ₹100। बैंक ड्राफ्ट चार्जेस, ड्राफ्ट के बनाने के चार्जेस लिए होंगे। तो परचेज में हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट कितने के परचेजेस हैं,
15,000 की, इसके अलावा क्या खर्चा हुआ है और बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट एक्सपेंस बढ़ गया हमारा 100 रुपये से, और ये सारा सब कुछ पैसा कैसे गया है, बैंक ड्राफ्ट से। तो टू बैंक अकाउंट, हमारी एसेट्स कम हुई है, हमारा बैंक बैलेंस कम हुआ है कितने से, 15,100 से। इस एंट्री को आप अलग अलग भी कर सकते हो, एक एंट्री आप कर सकते हो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000, दूसरी एंट्री कर सकते हो आप बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 100 रुपीज़, लेकिन आप कंबाइन कर दोगे तब भी ठीक है, अलग अलग करोगे तब भी ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स थी, होप आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल ट्रांजेक्शन्स नहीं थी, जितनी भी अलग अलग तरह की ट्रांजेक्शन्स में लेके आ सकता था वो मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ। अभी हमारा जनरल एंट्रीज का चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, कल का हमारा एक और वीडियो आएगा जिसमें हम मिसलेनियस जनरल एंट्रीज करेंगे, तो और कल तक के लिए वेट करिए और इसको समझिए, थोड़ी प्रैक्टिस करिए, अपने एग्जांपल्स करिए बुक में से, और अगर आपको इन एंट्रीज़ में कुछ भी डाउट्स है तो आप ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, या कमेंट सेक्शन में ही रिमार्क आपको उसका जवाब दूंगा। तो बने रहिए, देखते रहिए हमारे वीडियोस को। थैंक यू वेरी मच।